हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का कंसेप्ट देखा था। फिर उसके रिजल्टेंट हमने देखा था कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनते हैं, पाई बॉन्ड आपके लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को जब आगे एक्सपैंड किया गया तो एक नया कंसेप्ट आया जिसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, यहाँ पर कुछ किताबें जेड को एस भी लिखती हैं, तो दोनों स्पेलिंग सिनोनिम्स यूज की जाती है। तो हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली होता क्या है, मिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किए जाएंगे और एक तीसरा नया एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएगा। अब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किए जाएंगे, तीसरा नया ऑर्बिटल बनेगा और वही ऑर्बिटल मिक्स किए जाएंगे जो लगभग सिमिलर एनर्जी के हैं। और ऑब्वियसली ये वही ऑर्बिटल होंगे जो वैलेंस ऑर्बिटल वैलेंस शेल के होते हैं, क्योंकि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही केमिकल बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं, तो ये वैलेंस ऑर्बिटल ही होंगे। तो ऐसे वैलेंस ऑर्बिटल फ्यूज किए जाएंगे जिनकी एनर्जी क्या है, सिमिलर है। और फिर बने हुए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के सेंट्रल एटम के बने हुए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से दूसरा जो मॉलिक्यूल है जो बॉन्ड बनाना चाहता है वो अपने ऑर्बिटल को की ओवरलैपिंग करता है। तो बेसिकली जब हाइब्रिडाइजेशन आप के दिमाग में आपको बोला जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन से आपको ऐसा लगता है जैसे मान लो मैं बोलूँ कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, हालांकि ये बॉन्ड ये इनका जो बॉन्ड है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भी समझाया जा सकता है, बिकॉज दिस इज आयनिक बॉन्ड, तो इसलिए ये आयनिक बॉन्ड है। तो आयनिक बॉन्ड है, लेवाज़ रॉड स्ट्रक्चर इसके लिए सफिशियंट है क्योंकि इनमें कोई एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग नहीं है। सिंपली हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देता है, एंड देयर इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, दैट्स व्हाई दीज आर आयनिक। बट अगर मान लो ये कोवेलेंट कंपाउंड होता तो मैं ये बोलता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट में दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फ्यूज किया जाएगा और एक तीसरा नया ऑर्बिटल बनेगा और उस नए ऑर्बिटल को अपन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलेंगे। तो आपके दिमाग में क्या आता है कि एक ऑर्बिटल हाइड्रोजन का होगा, जिस तरह से अपन ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में देखा था, क्योंकि हाइड्रोजन का एस है तो उसको मैं स्फेरिकल बनाता हूँ। तो आपके दिमाग में जो सबसे पहले मिसकंसेप्शन आता है वो है कि एक ऑर्बिटल हाइड्रोजन का होगा और दूसरा ऑर्बिटल क्लोरीन का होगा और ये दोनों ओवरलैपिंग करेंगे तो इस तरह से एक नया एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा। पर ऐसा नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल कभी फ्यूज नहीं होते। हाइब्रिडाइजेशन में सेम एटम के वैलेंस शेल के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और फिर उन्हीं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से ये हाइड्रोजन आके बाइंडिंग करता है। तो आइए डिटेल में देखते हैं इस थ्योरी को, क्या बोलना चाहती है थ्योरी। सो स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन को अपन देख चुके थे कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स आर यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस फिनोमेनन इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कंबाइन होंगे और एक इक्विवेलेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल बनेगा और यही इक्विवेलेंट सेट ऑर्बिटल का बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज किया जाएगा। दिस फिनोमेनन इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, इसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। डेफिनेशन देखें तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज सो इज टू रिडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जीज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जीज एंड शेप। बेसिकली दिस इज द रिडिस्ट्रीब्यूशन। जैसे एक ऑर्बिटल की एनर्जी 5 है और दूसरे की 4 है, तो 5 और 4 को लेके आपने एक नया जो सम था वो 9 और 9 हुआ, तो दो ऑर्बिटल आपने फ्यूज किए 9 एनर्जी के टोटल और दो नए ऑर्बिटल बनाए जिनमें से हर एक की एनर्जी 4.5 थी। तो दैट इज द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज। और जब रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उनके शेप का भी एक रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब एक नया शेप आता है जिसमें एस का, जैसे जिसमें दोनों ऑर्बिटल के शेप का कैरेक्टर आपको मिलता है जो फ्यूज हुए हैं। तो इसके फीचर देखते हैं, क्या है हाइब्रिडाइजेशन के फीचर। पहला फीचर है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं वो, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर गोइंग टू बी हाइब्रिडाइज्ड। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज्ड होना चाह रहे हैं या हो रहे हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे एक एस और एक पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, तो एक एस और एक पी हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे तो दो नए ऑर्बिटल बनेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जिसमें से हर एक का नाम होगा sp और sp। जैसे दो sp के आपके दो सेट मिलेंगे, तो दो ऑर्बिटल फ्यूज हो रहे थे तो दो नए ऑर्बिटल बने, तीन फ्यूज होते तो तीन नए ऑर्बिटल बनते, तो ये ध्यान रखें।
दूसरा इसका फीचर है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट एनर्जीज एंड शेप, ये ध्यान रखें, जो वही एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होंगे जिनकी एनर्जी लगभग इक्वल है, आइडेंटिकल नहीं बोल सकते, ऑलमोस्ट इक्वल है, एंड उनका शेप भी लगभग एक जैसा है। दी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन बॉन्डिंग। तो इस हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट का बोलना है कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, तो हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत ये इसीलिए पड़ी कि डायरेक्ट एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा इफेक्टिव है हाइब्रिडाइजेशन वाली बॉन्डिंग। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनते हैं वो बॉन्डिंग में अच्छे से पार्ट लेते हैं। फोर्थ, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन सच इन सम प्रेफर्ड डायरेक्शन टू हैव मिनिमम रिपल्शन। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही पार्ट है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बोला था कि जो ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं वो अपने आप को इस तरीके से ओरिएंट करते हैं थ्री डायमेंशनल स्पेस में कि उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम रहे, पर हाइब्रिडाइजेशन उसी पॉइंट को वापस ऐसे कैसे उठा के ला रहा है। और ये बोलता है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये डायरेक्ट स्पेस में इस तरह से डायरेक्टेड हैं कि ये उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम रहे और मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा रहे। और ये सबसे अच्छी बात ये जियोमेट्री की बात करता है, अपन देखेंगे किस तरह से जियोमेट्री की बात करता है और एक स्टेबल अरेंजमेंट को देता है। अब इसके इंपॉर्टेंट कंडीशंस देख लें, हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशंस क्या है। तो पहली कंडीशंस, द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम्स आर हाइब्रिडाइज्ड। तो सबसे पहले कंडीशन के वही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे जो वैलेंस शेल में है, वैलेंस शेल के अलावा दूसरे ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेते। दूसरा, द ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। जो ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रहे हैं उनकी ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, बिल्कुल इक्वल आइडेंटिकल हो ये नहीं जरूर बोल रहे हैं, लेकिन अगर वो हाइब्रिडाइजेशन पार्ट ले रहे हैं तो उनकी एनर्जी में लगभग 1920 अंतर होना चाहिए, जो कि आपको वैलेंस शेल में मिल सकता है। इसीलिए नॉन वैलेंस शेल क्या ऑर्बिटल पार्ट ही लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एन इसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। ये अपन देखेंगे कि प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्या है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में ये जरूरी नहीं कि सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करें, कभी कभार फुल फिल्ड ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन कपल्ड है, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, वही भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं। तो आइए देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले अपन समझते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन से। सो आइए देखते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन में आप देख रहे होंगे एस नाम इसका दिया है, चूंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन में एक एस और एक पी ऑर्बिटल पार्ट लेते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एसपी हाइब्रिडाइजेशन। इसका इस एसपी हाइब्रिडाइजेशन की मदद से जिस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया जाता है वो है BaCl2 मॉलिक्यूल। आपको BaCPr थ्योरी में याद होगा कि BaCl2 बेरियम क्लोराइड को अपन ने BaCPr थ्योरी से एक्सप्लेन किया था, बोला था लीनियर होगा। तो अब हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी में इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम, देखो पॉसिबल स्ट्रक्चर बेरिलियम का है, बेरिलियम के साथ दो क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, तो इस तरह का स्ट्रक्चर, इसका मतलब बेरिलियम दो बॉन्ड बनाएगा। तो सेंट्रल एटम इसमें हुआ बेरिलियम, बीच में जो एटम जो होगा जो मॉलिक्यूल की जियोमेट्री डिसाइड करता है वो है बेरिलियम। अब बेरिलियम सेंट्रल एटम है, इसका ग्राउंड स्टेट का कॉन्फिगरेशन अपने को मालूम है 1s2 2s2 2p 0। तो 1s2 2s2 2p 0 कॉन्फिगरेशन हमने ड्रॉ किया ग्राउंड स्टेट का। अब मॉलिक्यूल के पास बेरिलियम के पास क्लोरीन के जो एटम है वो बॉन्ड बनाने आ रहे हैं, उसके लिए बेरिलियम तैयारी करता है। तो एक्साइटेड स्टेट कॉन्फिगरेशन जो बेरिलियम का वो होगा 1s2 या 2s2 के जो दो इलेक्ट्रॉन है प्रमोट किए जाएंगे। चूंकि बेरिलियम को बॉन्ड कितने बनाना है दो, इसलिए दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करना पड़ेंगे। तो वैलेंस शेल इसमें इसके दो ही इलेक्ट्रॉन हैं जो कि पेयर्ड हैं, तो इन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर किया जाएगा, मतलब दिस इलेक्ट्रॉन ऑफ 2s2 विल बी प्रमोटेड इन 2p सबशेल। तो 2p सबशेल में इस इलेक्ट्रॉन को प्रमोट किया जाएगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ दूसरा आ गया प्रमोट हुआ, और इस तरह से आप देखेंगे कि दो ऑर्बिटल जो पहले जो एक ऑर्बिटल भरा हुआ था, एक खाली था, एक उसके जो इलेक्ट्रॉन है नए दूसरे ऑर्बिटल पहुंच गए, क्योंकि इनकी एनर्जी लगभग क्या हुई थी सिमिलर। मैं आपको अलग से ड्रॉ करके बता देता हूँ इसको, इनकी एनर्जी लगभग सिमिलर हो गई थी, इसलिए एक नया ऑर्बिटल बने जब ये फ्यूज हुआ। एस और पी तो फ्यूज होंगे, तो ये फाइनल मॉलिक्यूल का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो इस तरीके का होगा। ये 1s ऑर्बिटल, ये एक sp ऑर्बिटल, ये दूसरा sp ऑर्बिटल। तो इस तरह से आपको दो sp ऑर्बिटल मिलेंगे, और ये 1s में इसके दो ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है BaCl2 का है, BaCl2 में बेरिलियम का। तो इससे दो sp ऑर्बिटल आपको मिलेंगे, एक sp और
दूसरा sp। अब इन sp ऑर्बिटल जो नए बने हैं इनमें क्लोरीन ऑर्बिट एटम आएंगे और अपने उसको इलेक्ट्रॉन को ओवरलैप करके उन इन एटॉमिक ऑर्बिटल से हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप करके अपने इलेक्ट्रॉन को रख देंगे। तो जो नए sp ऑर्बिटल बने जो दिखाए थे, sp ऑर्बिटल बेसिकली देखिए आप जानते हैं कि s ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल जबकि p ऑर्बिटल होता है डंबल। तो जब ये दोनों ऑर्बिटल फ्यूज होते हैं तो जो इनके नेगेटिव पार्ट है, इनके s और p ऑर्बिटल जब फ्यूज होते हैं तो जो नेगेटिव पार्ट है इस साइड आ जाता है बीचों बीच और पॉजिटिव पार्ट ऐसे आ जाते हैं। मतलब दिस इज द ब्लेंड, दिस ऑर्बिटल इज अ ब्लेंड ऑफ दिस टू ऑर्बिटल। ये दोनों ऑर्बिटल को जब आप फ्यूज करते हैं तो आपको ये ऑर्बिटल मिलता है। तो ये एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, दूसरा sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये दोनों ऑर्बिटल जब हाइब्रिडाइज्ड होंगे तो इस तरह से आपको sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे और इन्हीं sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से क्लोरीन, अब क्लोरीन में जो आप वैलेंस कॉन्फिगरेशन देखेंगे वैलेंस शंट का क्लोराइड का, तो ये p ऑर्बिटल पार्ट लेते हैं बॉन्डिंग में, तो p ऑर्बिटल इन फेज ओवरलैप करेंगे इनसे इन फेस ओवरलैप करेंगे और जब इन फेस ओवरलैप करेंगे आपको तो आपको मिलता है BeCl2। ये BeCl2 बनता है मॉलिक्यूल। और इसी तरह से ये ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं जो दो और बने हैं अपने आपको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखे हैं और इसलिए मॉलिक्यूल का अच्छा शेप हो जाता है लीनियर। तो नेक्स्ट टाइम जब हम देखेंगे, अब अगला हाइब्रिडाइजेशन हम देखें। अच्छा, इसमें एक और चीज, मॉलिक्यूल का शेप लीनियर हो गया, बॉन्ड एंगल इसका होता है 180 डिग्री, क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों के दोनों ऑर्बिटल 180 डिग्री पे अलाइन करते हैं एक दूसरे को और मॉलिक्यूल भी आप देख रहे होंगे लीनियर ही होता है इसका। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सॉरी VACPR थ्योरी इस बारे में कोई बात नहीं करती थी कि क्यों मॉलिक्यूल लीनियर है। तो अभी इस हाइब्रिडाइजेशन का समय बताया कि sp हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल अपने आपको इतने डिस्टेंस पे अलाइन करते हैं कि उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम है, दैट्स व्हाई मॉलिक्यूल बिकम्स लीनियर। दूसरा, इनमें कैरेक्टर की बात की जाए तो चूंकि s का एक ऑर्बिटल और p का भी एक ऑर्बिटल फ्यूज हुआ है इसलिए इस उसमें s कैरेक्टर 50% और p कैरेक्टर भी 50% है। तो दोनों में जो s और p का कैरेक्टर है, मतलब जो नया हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने हैं दोनों, उनमें s और p का कंट्रीब्यूशन बराबर है। आइए अब आगे देखते हैं, कल आप देखेंगे नेक्स्ट टाइम sp2 हाइब्रिडाइजेशन।